हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को भी दबा ले हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल न्यूज पर, जहां पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा बहादुर पायलट जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अब बात करते हैं अभिनंदन की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ, पाकिस्तान की गिरफ्तारी से वापस लौटकर आए वतन विंग कमांडर अभिनंदन का दिल्ली के आर्मी अस्पताल में मेडिकल चेकअप जारी है। अधिकारियों ने ये सूचना दी है कि शनिवार को विंग कमांडर अभिनंदन का जो मेडिकल चेकअप हुआ उसमें उनकी पसली टूटने, पीठ में अंदरूनी चोट और कुछ जख्मों के बारे में पता चला है। इन सब की खबर मिलने के बाद विंग कमांडर का इलाज किया जा रहा है। अभिनंदन का MRI स्कैन भी अस्पताल में किया गया और स्कैन करने के बाद पता चला है कि उन्हें किसी तरह की दिमागी चोट नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि विंग कमांडर अभिनंदन को कोई भी गंभीर चोट नहीं लगी है, उसके बावजूद भी वो दो दिन तक और अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में रखे जाएंगे। शायद उनकी जो पसली टूटी है वो विमान से जमीन पर गिरने के कारण या फिर हिंसक भीड़ द्वारा टूटी हो सकती है। इसके अलावा उनके शरीर पर भी कुछ जख्मों के निशान हैं। अब बात करते हैं, क्या पायलट अभिनंदन के शरीर के अंदर कोई चिप तो नहीं लगा दी? भारत के कई बड़े अधिकारियों को पहले शक था, लेकिन बाद में इस बात की पुष्टि हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शनिवार को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आर्मी अस्पताल में विंग कमांडर अभिनंदन से मुलाकात की। सब उनके हालचाल जानने के लिए आ रहे हैं। उन्हें बहुत खुशी हुई कि उनसे मिलने के लिए रक्षा मंत्री भी आए थे। वैसे सोशल मीडिया यूजर्स की बात करें तो उनकी मूंछों की जमकर तारीफ की जा रही है। लोगों का कहना है कि मूंछें हो तो अभिनंदन जैसी, वरना ना ही हो। वहीं पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो उनकी तरह मूंछें रखेंगे। फेसबुक और ट्विटर पर अभिनंदन की मूंछों की इस कदर चर्चा हो रही है कि जैसे उनकी मूंछें अगला फैशन ट्रेंड बनने वाली है। वैसे इन सभी बातों के बारे में आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।